Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So in the previous video we have discussed about the 7.3 exercise from the class number 10. So in this exercise we have solved the first three questions. Now we are going to see the question number 4. But before we are going to start this lecture or just start this question number 4, I want to describe the trigonometric ratio so that you will have clear concept of it, and after that you will easily understand the questions of further questions, ठीक है, of that exercise. Now what are these trigonometric ratios? Actually we have 6 trigonometric ratios which are given to us, and they can also be called as circular trigonometric ratios. Okay, so they are approved in within a circle, so therefore they are called as circular trigonometric ratios. And what are these 6 trigonometric ratios? They are sine theta, cos theta, tan theta, and the next three are the reverse of them, like reverse of sine is cosine theta, reverse of cos is secant theta, and reverse of tan is cot theta. So here are some. So we use these 6 trigonometric ratios in our questions to solve them. So now we are going to define these trigonometric ratios and how you will define it. So in order to define these functions, you use circular approach which involve unit function. So ye cheez aap definition mein likhenge ki in order to define these trigonometric ratios, we use circular approach which involve the unit circle. अब यूनिट सर्कल क्या होता है कि यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल है जिसमें एक रेडियस होता है, ठीक है. अब मैं वही सर्कल आपके पास बनाने लगी हूँ. लेट्स सपोज कि ये कुछ इस तरह से आपके पास गिवन है यहाँ पर. सो ये एक्स एक्सिस हमारे पास हो गया, ये वाई एक्सिस हो जाता है. सो यहाँ पर ज़ीरो, दरमियान में ज़ीरो होता है, और एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ पर जाती हैं. सो इट्स मीन कि यहाँ पर एक्स पॉजिटिव वन है, ठीक है. वन जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, ठीक है. नेक्स्ट, लेकिन अगर हम इस तरह बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक्स नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर तो ज़ीरो था ना. अब ज़ीरो से इस तरह नेगेटिव वैल्यूज़ आती है, नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, नेगेटिव थ्री, नेगेटिव फोर, नेगेटिव फाइव, इस तरह से. वाई में इस तरह पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, और यहाँ पर वाई नेगेटिव होता है, यानी वहाँ पर वाई नेगेटिव वन है और यहाँ पर वाई पॉजिटिव वन है, ठीक है. अब मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ. लेट्स सपोज कि ये कुछ इस तरह का सर्कल यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है. और इस सर्कल का ये रेडियस हमारे पास आ जाता है, ठीक है. यहाँ ओ पॉइंट से लेकर ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट है. सो ये ओ से ए तक का रेडियस है, और उस रेडियस को मैं नाम दे रही हूँ एक्स का, ठीक है. अब यहाँ पर मैं एक आर्क बनाती हूँ, एक एंगल थीटा बनाने लगी हूँ ये, तो इसको मैं पी पॉइंट का नाम दे देती हूँ. और यहाँ पर अब आपका ये एंगल थीटा एक रियल नंबर बन चुका है. तो अब आप डेफिनेशन का स्टार्ट ये करेंगे कि लेट थीटा बी द रियल नंबर विच रिप्रेजेंट द रेडियन मेजर ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन. अब आपने कहना है नेक्स्ट लाइन में कि लेट पी एक्स और वाई कैन बी एनी पॉइंट, कैन बी अ पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल. कि ये पी और एक्स वाई जो है ये एक पॉइंट है पी सर्कल के ऊपर, और अगर हम इसका ये इस तरह से एक फॉल अप्रोच बनाएं इसके ऊपर, तो इस वाली लाइन को हम वाई करेंगे, ठीक है. सो पी पॉइंट के अंदर ये दो चीज़ें आ गई हैं, ठीक है. और इस ये फिगर में शो किया हुआ है. अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस सर्कल के अंदर ये एक ट्रायंगल बन रही है. सो इस ट्रायंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना. सो अगर देखें तो ये ट्रायंगल की बेस बनती है, ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है जो कि आर इज इक्वल टू लेट्स सपोज के वन के इक्वल ये दिया गया है. सो अब हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्केयर, हाइपोटेनियस को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर. यानी हाइपोटेनियस यहाँ पर हमारे पास आर है, लेट्स सपोज आर है, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये वाई हमारा परपेंडिकुलर है, तो वाई का स्केयर हो जाएगा, और बेस हमारे पास ये एक्स है, सो एक्स का स्केयर हो जाएगा. तो यानी आपका आर का स्केयर
इन दो के स्क्वायर किस्म के इक्वल है, यानी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक किस्म का पैथागोरस थ्योरम बन जाता है। सो इसी पैथागोरस थ्योरम से अब हम इन साइन कोसाइन और इनकी वैल्यूज क्यों यहाँ निकालेंगे। सो सबसे पहले अब हम लोग इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, साइन थीटा की हम लोग वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सो साइन थीटा आप लोगों को पता है कि एक चीज़ आपने याद रखनी है, सम पीपल हैव कलर ब्राउन हेयर ट्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सो सम से क्या बनेगा, साइन थीटा, ठीक है। सम पीपल से क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। सम पीपल हैव से हाइपोटेन्यूस। सो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, वाई, वाई लिख दें। हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, आर, या आप वन भी लिख सकते हैं। सो वाई आवर वन मैं लिख देती हूँ, ठीक है। सो ये आप ली आपकी साइन थीटा की वैल्यू, यानी आपका साइन थीटा वाई के इक्वल आ गया, ठीक है। सो ये साइन थीटा की वैल्यू वाई के इक्वल का भाई जब हमने सर्कल में किया, यानी सर्कल के अंदर वाई इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। देन हम लोग कोस के ऊपर आ जाते हैं। सम पीपल हैव कलर ब्राउन, बी से क्या हो जाएगा, बेस, हेयर, एच से हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। सो बेस आपके पास क्या है, एक्स है, हाइपोटेन्यूस वन है। सो यानी कोस कोस थीटा आपके एक्स के इक्वल आ गया इस सर्कल के अंदर। अब हम टैन थीटा पे आ जाते हैं। सो टैन थीटा आपके पास क्या होता है, थ्रू प्रॉपर, प्रॉपर से परपेंडिकुलर और ब्रशिंग, सो बेस आ जाएगा, ठीक है। सो प्रॉपर से परपेंडिकुलर हमारे पास वाई है और बेस हमारे पास क्या है, इसकी एक्स है। सो टैन थीटा ये, इसकी वैल्यू ये आ गई है। अब अगर आपने इनका रिवर्स लेना है, यानी साइन का रिवर्स क्या, कोसाइन, सो कोसाइन किसके इक्वल हो जाएगा, कोसाइन थीटा, वो वाई ओवर वन है तो ये वन ओवर वाई के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल रिवर्स इसका करते जाएं, कोस थीटा जो है वो उसका रिवर्स होता है सीकेंट थीटा। सो सीकेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी वन ओवर एक्स, ठीक है। और टैन का इनवर्स होता है कॉट थीटा, सो कॉट की वैल्यू हो जाएगी एक्स आवर वाई। सो ये इस तरह से इनकी वैल्यूज हमारे पास एक्सट्रैक्ट होंगी। और हमने अपने सारे क्वेश्चंस में करना ही इसी तरह है कि हमने ये वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है और पैथागोरस थ्योरम में पुट करना है। सो अब आप लोगों के पास यही कहा गया है कि ये यहाँ पर इस सर्कल में ये प्रूव होता है कि आपका वाई इज इक्वल है साइन थीटा के, जो यहाँ से ये प्रूव किया है मैंने, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ प्रूव हुई हो चुकी है। और आपका एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा है, और ये जो दो हैं ये हमारे पास सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं कि अगर हमें कोई भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, तो एग्जांपल नंबर वन में ना उन्होंने एक ट्राइंगल दे दिया और कुछ एंगल्स उसमें ड्रॉ कर दिए, और उन्होंने कहा कि हमें अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज बताओ, ठीक है। सो एंगल ट्राइंगल उन्होंने जो है वो कुछ इस तरह से बनाई है। उन्होंने कहा है कि ये आपके पास ये पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये आपके पास बी पॉइंट है। सो ये ए के साथ जो एंगल बन रहा है वो है 45, बी के साथ भी जो एंगल बन रहा है वो भी है 45, और सी और ए ये जो है एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का। अब उन्होंने कुछ वैल्यूज़ बताई हैं, लाइक ए और सी के दरमियान बी की एक वैल्यू है जो कि 1 है, यानी ये बेस की वैल्यू है, बी क्या है, बेस, ठीक है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को ए से शो करते हैं, और ए परपेंडिकुलर की वैल्यू उन्होंने 1 दी है। हाइपोटेन्यूस को हम सी से शो कर रहे हैं, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू ये दी गई है, ठीक है। अब हमने इसको पुट करना है और वैल्यूज आंसर निकालनी है। अब ठीक है बच्चों, सो अब सबसे पहले तो हम लोग केस 45 का सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ए के साथ जो एंगल बन रहा है 45 का। अच्छा बच्चों, तो अब आप लोगों ने सबसे पहले इसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम आप लोगों ने अप्लाई करना है। और पैथागोरस थ्योरम आप किस तरह से अप्लाई करेंगे कि आप सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। अब ये वाली वैल्यूज पुट करते जाएं। सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मतलब हमने निकालनी है, हम लोग देख रहे हैं कि सी स्क्वायर की वैल्यू यही है। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, 1 स्क्वायर, ये वाली ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये पुट कर देंगे आप लोग। और सी इज इक्वल टू 1 + 1 2 हो जाएगा, सी स्क्वायर है, सो सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। यानी हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू ये निकल आई है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, हमारे पास 45 है। सो यहाँ पर साइन थीटा की जगह आप 45 पुट कर देंगे, और साइन 45 क्या होता है, पाई बाय 4। आप पाई बाय 4 यहाँ पर लिखते जाएंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ थीटा अटैच है आप उसकी जगह 45 डिग्री ऐड करते जाएंगे। सो अगर कोस 45 देखें तो वो भी पाई बाय 4 होगा, सो थीटा की जगह 45
45 और पाई बाय 4 के इक्वल हो जाएगा टेन थी 45 आप कर देंगे यहाँ पर इस तरह से 45 ये भी पाई बाय 4 के इक्वल होगा। इस तरह कोसिकेंट्स में भी आप ऐसे करेंगे कि थीटा की जगह 45 डिग्री ये भी 45 और थीटा की जगह भी आप 45 पुट करेंगे और पाई बाय 4 इनका आंसर आता जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करें। यहाँ पर परपेंडिकुलर आपके पास क्या है ए है और ए की वैल्यू क्या है 1 सो 1 पुट कर दें। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 2 सो स्क्वायर रूट 2 आप पुट कर देंगे ठीक है। देन बेस की वैल्यू क्या है बी 1 है सो इसकी जगह 1 आप पुट कर देंगे। हाइपोटेनियस आपके पास क्या है स्क्वायर रूट 2 ऐड कर दें ठीक है। परपेंडिकुलर टैन थीटा की वैल्यू में परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 1 है 1 यहाँ पर पुट कर दें और बेस भी आपके पास 1 है तो टैन थीटा 1 की हो जाएगा। अब इनका इन्वर्स कर देंगे तो कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी जैसे कोसिकेंट्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 ठीक है। इस तरह सेकेंड की वैल्यू आपके पास भी आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 और कोट की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। सो ये हमने प्रूव कर दिया है वैल्यूज़ निकाल के कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उन्होंने कुछ इसी तरह का दिया हुआ है ठीक है। सो नेक्स्ट में आप लोगों को कुछ इस तरह की ट्राइंगल दी गई है ठीक है। ये पॉइंट ए है ये वाला पॉइंट बी दिया गया है और ये सी है और ये सारे एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री के ये एंगल्स हैं। ये इस तरह से कुछ ये इसकी वैल्यू सी इज इक्वल टू 2 है बी भी इज इक्वल टू 2 है और ए भी यहाँ पर इज इक्वल टू 2 है। सो इस तरह के ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं जिसमें तीनों साइड्स ट्राइंगल की उनकी वैल्यू ये कर यानी ये साइड और ये साइड यानी ए बी और सी तीनों जब ए की वैल्यू हो यानी तीनों टू की वैल्यूज़ हैं तो उनको हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपने किस तरह से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले तो आपने इस ट्राइंगल को डिवाइड कर देना है इस तरह के दो पार्ट्स के अंदर ठीक है। अब ये एंगल डिवाइड हो जाएगा यानी ये 60 का एंगल है तो 30 यहाँ पर एंगल बन जाएगा 30 यहाँ पर एंगल बन जाएगा और यहाँ पर ए इज इक्वल टू 2 है सो ए यहाँ से यहाँ तक के पार्ट में ए इज इक्वल टू 1 होगा और अगेन यहाँ से यहाँ तक के पार्ट में ए इज इक्वल टू 1 होगा 1 प्लस 1 2 ही होता है ठीक है। सो ये इस ट्राइंगल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम इनमें से कोई एक ट्राइंगल को ले लेंगे। अच्छा इस वाले पॉइंट को मैं डी का नाम दे रही हूँ। अब आपने या तो ट्राइंगल पकड़ लेनी है डी ए सी या आप ट्राइंगल ले लेंगे डी ए बी ठीक है। कोई एक ट्राइंगल आप लोग ले लें। लेट्स सपोज कि मैं डी ए सी की ट्राइंगल ले रही हूँ। सो मैंने ट्राइंगल ले लिए डी ए सी। सो डी ए सी का पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। सो पाइथागोरस थ्योरम डी ए सी का क्या बनेगा सो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है सो ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा और बाकी ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगी। सो डी ए सी में डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी प्लस सी ए होल का स्क्वायर रूट ठीक है। अब इनके वैल्यूज आप लोग पुट कर दें। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता और हमने इसकी वैल्यू निकालनी है डी सी आपके पास ए इज इक्वल टू 1 आ जाता है और सी ए ये वाला ये 2 के इक्वल है सो यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस ये 4 और एक 5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर रूट ठीक है। सो अब आपके पास अच्छा बच्चों ये यहाँ पर एक चीज़ की मुझे गलती हो गई है कि मैंने इसको हाइपोटेनियस मान लिया। हमने इसको हाइपोटेनियस नहीं परपेंडिकुलर मानना है ये हमारा हाइपोटेनियस होगा। सो यहाँ पर कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी ठीक है। सो फिर हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर आता है। अब आपके पास ये है परपेंडिकुलर ये बेस है सो सी ए आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू डी सी ए ठीक है इज इक्वल टू डी सी सी डी और डी ए। अब आपको डी ए की वैल्यू नहीं पता तो आप डी ए यहाँ लाएंगे और ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे सो डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी माइनस सी ए सो डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी आपके पास क्या है 1 का स्क्वायर माइनस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 सो स्क्वायर रूट 3 आपके पास पाइथागोरस थ्योरम का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अब यहाँ पर
हमारे पास जो एंगल बना रहा है बीटा के साथ वो 60-30 डिग्री का ये एंगल है। सो अब हमने 60 डिग्री का बीटा एंगल जो है ये बना रहा है। सो अब हमने 60 डिग्री के लिहाज से वैल्यूज पुट करते जाना है। सो अब हम लोग देखते हैं कि साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 हमेशा पाई बाय 3 के इक्वल होता है। कोट 60, कोस 60 भी पाई बाय 3 के इक्वल होता है। टैन 60 पाई बाय 3 के इक्वल होगा। सो सब में ये चीज़ें आ जाएंगी। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज पुट कर दिया जाए। जैसे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर हमने ये निकाला है ए डी वाला, डी ए वाला स्क्वायर रूट 3 आया है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 था, ठीक है। यहाँ पर बेस हमारे पास 1 थी, हाइपोटेन्यूज हमने ये निकाला स्क्वायर रूट 3, ठीक है। सो 1/3 हो गया, ठीक है। अच्छा जो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 नहीं है, 2 है, ठीक है, 2 ये वाला, ठीक है। और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, स्क्वायर रूट 3, और बेस हमारे पास क्या है, 1, ठीक है। सो ये हमारे पास टैन थीटा आ गया। अब इनका रिवर्स करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूस आ जाएंगी, लाइक ये इस तरह हो जाएगा, ये 2 के इक्वल आ जाएगा, और ये हमारे पास 1/ स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा बच्चों, तो आप लोग चले जाते हैं हम लोग 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यही बताया कि आप बताएं कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन को से ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं ये पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। सो अब आप लोग ये देखें कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया था। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये क्वाड्रेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। सो एक चीज़ याद रखनी है, जितने भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे इस क्वाड्रेंट के अंदर, सब पॉजिटिव होंगे, ठीक है। मैं सिर्फ उनके बताऊंगी जो जो पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन थीटा और जो इसका रिवर्स होता है कोसाइन, ये 2 से पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ टैन थीटा और उसका रिवर्स कोस थीटा, ये दोनों से पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है, यानी 0 से कम होंगे। देन लास्ट वाले में हमारे पास कोस थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होगा और इसका इन्वर्स सेकेंड थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब रिवर्स होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यही कहा हुआ है कि डिफरेंट रूल बताया मैं, जैसे लाइक क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, और उसके अंदर उन्होंने हमें कहा है साइन थीटा अगर बड़ा हो 0 से, जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, यानी साइन थीटा पॉजिटिव हो, और साथ ही साथ दूसरी शर्त उन्होंने लिखी है कि टैन थीटा छोटा हो 0 से, यानी कि टैन थीटा नेगेटिव हो। तो साइन थीटा यहाँ ये यानी ये 1 क्वाड्रेंट में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो अब साइन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होता है, सो इट्स मीन ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में होगा, क्वाड्रेंट नंबर 2 यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि हमारे पास कोस थीटा है और वो छोटा है 0 से, यानी कोस थीटा नेगेटिव है, और साइन थीटा भी हमारे पास 0 से छोटा है, यानी ये भी नेगेटिव है, यानी ये दोनों नेगेटिव हों। सो ये दोनों किस में नेगेटिव होंगे, इस वाले क्वाड्रेंट में भी नहीं होंगे। इस वाले क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इस वाले क्वाड्रेंट में ये दोनों ही नेगेटिव होंगे, इस वाले क्वाड्रेंट में कोस थीटा पॉजिटिव होता है, सो ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में होंगे। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 3 इसमें ये प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। इसमें है सेकंड थीटा वो पॉजिटिव हो, यानी 0 से बड़ा हो, और दूसरी शर्त हमारे पास ये है कि साइन थीटा 0 से छोटा हो, यानी साइन थीटा नेगेटिव हो। सो सेकंड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव है, और साइन यहीं पर ही नेगेटिव है, सो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। उसमें हम लोग कहा है कोस थीटा हमारे पास क्या हो, छोटा हो, यानी नेगेटिव में हो, और टैन थीटा हमारे पास भी नेगेटिव में हो। सो टैन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होता है, कोस थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होता है, सो यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं, सो ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में होंगे, ठीक है। समझ आ रही है ना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उनमें क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है कोसेकेंट थीटा जो है वो आपका 0 से बड़ा हो, यानी पॉजिटिव हो, और कोस थीटा
भी आपका जीरो से बड़ा हो यानी वो भी पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हों। जो कोसेकेंट जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है और कोस थीटा यहाँ पर पॉजिटिव है, सो ये वन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि साइन थीटा नेगेटिव हो और सेकेंड थीटा ये भी नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव कहाँ पर होंगे, साइन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर भी पॉजिटिव है, सेकेंड थीटा यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव होंगे, क्वाड्रेंट नंबर थ्री के अंदर ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव भी बहुत ही आसान सा है, उसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि साइन थीटा के आगे कोई भी एंगल लगे, ठीक है, सो साइन थीटा के आगे अगर कोई एंगल लगता है और वो नेगेटिव में है, लाइक अगर मैं डिस्कस करूँ इसका केस, सो साइन थीटा लेट्स सपोज के साइन थीटा और थीटा की वैल्यू आपको दे दी है नेगेटिव ये 60, यानी साइन नेगेटिव 60 आपने निकालना है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर भी आपके पास नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में कुछ भी आंसर आएगा। बट लेकिन अगर आप कोस नेगेटिव 60 यही कोस के साथ ये काम करते हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, यानी पॉजिटिव 0 point something आंसर कुछ आ जाएगा, तो 0 point भी एसेंशियल नहीं है, ये तो मैंने फर्जी आपको कह दिया है। तो साइन अगर नेगेटिव में आता है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, कोस जो है वो नेगेटिव को अब्जॉर्ब कर लेता है। सो यही फार्मूला अब आपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है 7.3 का उसमें लगाना है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा कोस माइनस 50 है, तो कोस क्या है पॉजिटिव बना देते घर को, तो पॉजिटिव 150 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि साइन नेगेटिव 310 है, सो साइन में नेगेटिव ही रहता है, ठीक है, 10 नेगेटिव 210 आ जाता है, सो 10 जो है वो हमारे पास नेगेटिव ही रखता है, ठीक है, सो 10 भी हमारे पास नेगेटिव रखता है 210। कोट की बात कर लेते हैं तो कोट नेगेटिव 45 दिया हुआ है, सो ये कोट 10 का इन्वर्स है तो ये भी नेगेटिव रहेगा। सेकेंड कोस का इन्वर्स है, सो सेकेंड हमारे पास कोस का इन्वर्स है तो ये पॉजिटिव रहेगा। कोस सेकेंड साइन का इन्वर्स है, सो साइन का इन्वर्स भी नेगेटिव ही रहता है, सो साइन और टेन थीटा ये दोनों नेगेटिव रहते हैं और इनके इन्वर्स भी नेगेटिव रहेंगे, कोस और इसका इन्वर्स सेकेंड ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। सो सिंपल सा रूल क्या है अपनाना है आप लोगों ने इस क्वेश्चन में कि साइन थीटा अगर नेगेटिव आता है या टेन थीटा और या इनके रिवर्स, जैसे इसका रिवर्स है कोसाइन और इसका रिवर्स है कोट, ये सब अगर नेगेटिव में आते हैं तो नेगेटिव ही रहेंगे, लेकिन अगर कोस आ जाता है या कोस का इन्वर्स जो कि हमारे पास है सेकेंड थीटा, ये दोनों अगर नेगेटिव में आते हैं तो ये कन्वर्ट कर देते हैं उसको पॉजिटिव के अंदर। सो ये थी हमारे पास सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। आई होप कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ भी आ चुके होंगे सारे क्वेश्चंस। सो मिलेगी अगले लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, लेकिन तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नहीं मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।